पुरानी बातों को दिमाग में भर कर आप अपना वर्तमान क्यों खराब करते हैं? हो गया जो होना था, हो गई उसकी शादी, कोई बात नहीं। हो गया आपका एग्ज़ाम खराब, कोई बात नहीं। हो गए आप 30 साल के, कोई बात नहीं। हो गया मतलब आपकी आंखें कमज़ोर हो गई, आपको चश्मा चढ़ गया, कोई बात नहीं। जितनी भी नेगेटिव चीज़ हुई है आपके जीवन में, कोई बात नहीं ना, होने दो। एक बात तो याद रखो, जिंदा तो हो, आगे समय तो मिला हुआ है, सांस तो ले रहे हो, आगे के लिए प्लान तो है आपके पास। लेकिन आप घबरा रहे हो कि जब आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा। आज तक मेरे सारे एग्ज़ाम नेगलेक्ट हुए, किसी भी एग्ज़ाम में मैं रैंक में नहीं आ पाया, लिस्ट में नहीं आ पाया, कट ऑफ नहीं पार कर पाई, तो आगे भी ऐसे ही होगा। आज तक मुझे मैथ नहीं आई, आज तक मुझे जीएस नहीं समझ में आया, तो आगे भी होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आप पास्ट में जी रहे हो। पास्ट में अपने बीते हुए कल को जो इंसान छोड़ देता है वो इंसान आगे निकल जाता है, और वो आज अभी इसी वक्त एक सेकंड में हो सकता है। और वो ऐसे हो सकता है कि आप मान लो कि बस मुझे बीते हुए चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई सोचना ही नहीं है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। होता है, सबके साथ बुरा होता है, आप ही नहीं हो, सबके साथ वो बुरा होता है। लेकिन बुराई दिखती नहीं है ना, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, वो नकारना, वो हारना, वो किसी को नहीं दिखता। सबको वो दिखता है कि ये वाह, बंदा यार एसएससी सीजीएल क्रैक कर लिया, एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, वाह, बंदा यूपी पुलिस में एसआई बन गया, वाह, लेखपाल बन गया, वाह। और हमको भी वही दिखता है कि यार इसका तो हो गया, पर उसने जिस रास्ते पे चलकर वो चीज़ पाई, क्या उस चीज़ को आपने देखा? आपका भी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो केवल आप नज़र आओगे। जब आप टीचर बन जाओगे सरकारी स्कूल में तो आप ही आप नज़र आओगे। जब आप बैंक में पीओ बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, तो आप ही आप नज़र आओगे। जब आप पुलिस में चले जाओगे तो आप ही आप नज़र आओगे, पूरे समाज, पूरे गांव में, पूरे दोस्तों में, यारों में। लेकिन जो आप ये दिन प्रतिदिन मरते हैं, एक एक बुक के लिए, एक एक रुपए के लिए, एक एक पेड कोर्स के लिए, एक एक दिन जो अपने माँ बाप से सुनते हैं आप, वो कोई नहीं देखता ना, वो दिखता है, वो केवल आप फेस करते हैं। हर किसी के जीवन में होता है कि मेरे तो इतने एग्ज़ाम निकल गया, मैं तो 30 साल का हो गया, मैं तो 32 का हो गया, अब क्या होगा। ये सबके फेस में होता है। मैक्सिमम लोग इस चीज़ से परेशान है भाई, और अगर ये परेशानी झेलते रहोगे तो झेलते ही रहोगे, फिर कुछ चेंज होने वाला नहीं है। डिसीजन ये लेना होता है कि जो हुआ सो हुआ, प्यार में धोखा मिला मिला, हुआ तो हुआ, मैं गलत नहीं होना चाहता, मैं गलत नहीं होऊंगा। मुझे जो भगवान ने दिया है बस उसी चीज़ को फॉलो करना है। जो संसाधन मेरे पास है, जो दिनचर्या मेरे पास है, जितना मेरे पास समय है, मैं उसको अपना 1000% दूंगा। 100% नहीं, 1000%। किसी के साथ गलत नहीं बोलूँगा, किसी के साथ ज़्यादा मेल नहीं रखूँगा, अपने काम पे फोकस रखूँगा, बस अपने काम पे फोकस रखूँगा। जो टारगेट सोच लिया है उस टारगेट को पूरा करूँगा। अगर सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, जो मैंने सोच लिया उसको करना है। ये चीज़ कब बदलती है? जब आप अपने पास्ट को भुला नहीं पाते हो। तो एक ही ऑप्शन है कि आप डिसीजन लो, कठोर निर्णय लो। 4 बजे हर किसी के बस की बात नहीं है, रात देर रात तक पढ़ना सबके सबके बस की बात है। क्यों? क्योंकि रात में अगर थोड़ा सा फ़ोन चला लो तो नींद ख़राब हो जाती है, फिर आप पढ़ सकते हो आराम से। लेकिन सुबह 4 बजे कठोर परिस्थिति में उठना सबके बस की बात नहीं होती। तो एक कठोर निर्णय लो कि 4 बजे उठूँगा, मैथ पढ़ूँगा, एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाऊँगा। ऐसे ऐसे निर्णय लो, डिसीजन लो, और जब आप काम करते रहोगे, पढ़ाई के काम में लगे रहोगे, तो फिर पिछली बातें आपको याद ही नहीं आएंगी। क्यों आप पिछली बातें सोच के अपने मन को ख़राब करते हो? आपकी मम्मी अगर आपको बुरा भला बोल देती है, आपके पिताजी आपको थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो आप उस चीज़ पे क्यों जाते हो? वो आज बुरा भला बोल रहे हैं, जब आपका लग जाएगा तो फिर उन्हीं लोगों का सीना चौड़ा होगा। आप जब अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं, तब आप दूसरे का सहारा लेते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, दूसरे की चीज़ों को मानते हैं, दूसरे की चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, दूसरे की बातों को दिल पे ले लेते हैं। इसका मतलब आप कमज़ोर हैं, और कमज़ोर इंसान के पास क्यों आएगी ताकत, क्यों आएगी शिक्षा, क्यों आएगी सरस्वती माता, क्यों आपका सिलेक्शन होगा? आप जब कमज़ोरी हैं तो क्यों होगा? अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ, ताकतवर बनाओ, मेंटली, फिजिकली नहीं। फिजिकली तो सब बनना ही बनना है एक ना एक दिन, मेंटली बनाओ। जो चीज़ सोची है तो सोची है, करना है तो करना है।
अगर सोच लिया कि एक प्रैक्टिस सेट लगा के ही सोना है, चाहे साला सुबह का 3 बज जाए, लेकिन मैं लगा के ही सोऊंगा। और पिछली बातें सब भूल जाओ यार, कितने भी एग्ज़ाम आपने दिए नहीं हुए, कोई भी रिश्ता ख़राब हुआ, सब भूल जाओ। कोई भी चीज़ आप पिछली आपको बेनिफिट नहीं देती है, ये सोच लो। सब सबका सब आपका नुकसान करता है। बीती हुई बातें कभी मत याद रखो, उससे कुछ नहीं मिलता। हमेशा आगे देखो। और एक चीज़ और याद रख लो ना यार, कि एक बार नहीं होता है तो इसका मतलब कभी नहीं होगा, ये किसी ने नहीं कहा है। जो ये कहते हैं कहने दो, एक बार नहीं हुआ इसका मतलब दूसरी बार में और अच्छे से होगा, दूसरी बार नहीं हुआ इसका मतलब तीसरी बार और अच्छे से होगा, तीसरी बार भी नहीं हुआ इसका मतलब चौथी बार तो बिल्कुल ही अच्छे से होगा। यानी जितना लेट हो रहा है ना, उतना ही ऊंचाई तक जाओगे। अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकला ना, तो RPF SI बनोगे। अगर UP कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपसे नहीं निकला ना, तो UPSI बनोगे। समझे? तो अगर हार रहे हो ना, तो ये सोचो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है, भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ रखे हैं। ये मत सोचो कि यार ये चीज़ मिल जाती तो मेरा जीवन बदल जाता। नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से लड़ूंगा, फिर से पढ़ूंगा, फिर दोबारा तैयारी करूंगा, फिर मैथ बनाऊंगा, फिर रीजनिंग बनाऊंगा, फिर GS बनाऊंगा, फिर सेट लगाऊंगा, हारूंगा नहीं। समझे? तो आज के बाद पिछली बातें कभी भी याद नहीं रखनी, कितने एग्ज़ाम दिए नहीं दिए, कुछ आता है नहीं आता, बस जो है शून्य है। शून्य से शुरू करो, शून्य से शुरू करो, अपने आप को शून्य मान लो। किसी ने कुछ बोला, कोई बात नहीं। किसी ने आपको गाली दी, कोई बात नहीं। किसी ने आपको आपका दिल तोड़ा, कोई बात नहीं। सबको मुस्कुराते हुए एकदम मन के अंदर एकदम खुशी रखो कि भाई एक दिन टाइम आएगा, जवाब दूंगा, एक दिन मैं उस ऊंचाई पे बैठा रहूंगा, लोग आएंगे मेरे पास, एक दिन मेरे फ़ोन में मैसेज आएंगे, व्हाट्सअप आएगा, कॉल आएंगी, मज़ा आएगा बहुत आपको जवाब देने में। अभी जवाब दे के क्या मज़ा ले लोगे? अभी अपने आप को बनाओ, उस आग को रखो अंदर, उस आग को बाहर मत आने दो। 36 लोगों से मत बताओ अपनी पीड़ा को कि मुझे तो ये टेंशन है, मेरा तो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मत बताओ किसी को। अपने आप तक को भी भनक मत लगने दो कि आपका अगला स्टेप क्या है, क्योंकि आप के अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो भी आपसे गलत काम करवाता है, ना पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो थका हुआ है, हारा हुआ है। आप तो नहीं थके हुए हो ना, क्योंकि आप मेरी वीडियो पे आए हो, इसीलिए तो आए हो, आपको बनना है कुछ। तो आप अपने आप को भी मत बोलो, वो कहेगा कि 10 बज गया सो जा, लेकिन आपका अगला स्टेप क्या होगा? अभी तो 10 बजे है ना, 2 घंटे मॉक लगाऊंगा, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, 2 घंटे लूसेंट पढ़ूंगा, और उसके बाद सोऊंगा। ये एटीट्यूड रखना होगा आपको, समझे? और एक बात और कि मैथ की स्ट्रेटजी मैं जल्दी ही 1-2 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ को कैसे टैकल करें। बहुत कमेंट आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी आए हैं, कॉल भी आया हुआ है, ठीक है? तो मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा कि मैथ को कैसे, किस सीरीज़ में पढ़ना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट वीडियो मैथ के ही ऊपर होगी। एंड आप अपने कमेंट नीचे लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब कोई किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है, अगर आप बता सकते हो तो बताइए ज़रूर, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड बस आज की वीडियो में थोड़ा सा आपसे बस बात करना था मेरे को, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस में मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। मैं वो जो पीड़ा होती है, जो स्ट्रगल होता है, मैं उसी के ऊपर टॉपिक पे बोलता हूँ, और वो कहीं ना कहीं आपको झकझोरती है, आपको सिखाती है कुछ ना कुछ। तो मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट, आपका फीडबैक। आप ऐसे ही अपना कमेंट देते रहिए, और मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा, और हर अगली वीडियो में एनर्जी होगी, जिससे आपको मदद मिलेगी पढ़ने के लिए, और आप सिलेक्शन लेकर मेरे पास ज़रूर आएंगे मुझसे मिलने के लिए। मैं अपना एड्रेस ज़रूर दूंगा, मतलब अपना एड्रेस ज़रूर बताऊंगा आपको, अगर आपका सिलेक्शन होता है, समझे? और होगा, ज़रूर होगा, विश्वास रखिए अपने ऊपर। थैंक यू वेरी मच।